चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां हिमस्खलन को लेकर इसे महसूस किया जा सकता है। ज्यादातर वेदर स्टेशन के लिए स्थापित किए गए हैं, केंद्र सरकार इसका पूरा खर्चा उठाएगी। तो आपको बता दें कि अब हिमस्खलन के खतरे को पहले ही भांप लेंगे 74 वेदर स्टेशन। उत्तरकाशी की घटना के बाद ये सबक लिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, क्या समझे कि अब उत्तरकाशी की घटना के बाद कहीं ना कहीं सबक लिया गया है, जिसके चलते अभी एक पहल की जा रही है? देखिए, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है उत्तराखंड, और ऐसे में हिमस्खलन की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको गंभीरता से लेते हुए अब ये प्लानिंग की जा रही है कि जो चंडीगढ़ का जो GIRI है, उस संस्थान के स्तर पर जो है वो पहले से ही कुछ जो वेदर स्टेशन है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वो लगा दिए जाए, ताकि जो भी हिमस्खलन के खतरे की जो आहट होती है उसको महसूस किया जा सके, और उसको पहले ही जब सिस्टम के थ्रू वैज्ञानिक या संबंधित जिम्मेदार अफसर भाप लेंगे, तो कहीं ना कहीं हिमस्खलन की घटनाओं को कुछ हद तक कंट्रोल करने की या इससे होने वाले नुकसान का जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब देखना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें इसका जो खर्च है वो वहन करने वाली है, और राज्य सरकार लगातार इस तरह की कोशिश भी कर रही थी। तो जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके स्तर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएं, और चंडीगढ़ का जो संस्थान है उसके स्तर से ये लगाए जाएंगे, और आने वाले समय में ये कोशिश होगी या ये उम्मीद की जा रही है कि जो हिमस्खलन की जो घटनाएं होती है, हाल ही में आपने देखा होगा कि केदारनाथ क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना हुई थी और सबने वो देखा था, और इसका तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए थे। लिहाजा आगे इस तरीके की चीजों को से पहले सतर्क होया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये कोशिश सरकार की ओर से लगातार की जा रही है, और अब एक सराहनीय पहल की गई है, जहां उत्तरकाशी की घटना के बाद सबक लिया गया है। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में DGRE चंडीगढ़ वेदर स्टेशन स्थापित करेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। उत्तरकाशी में हिमस्खलन की घटना से सबक लेने के बाद हिमालय के सीमांत क्षेत्रों में भी वेदर सिस्टम स्थापित किए जाने का फैसला लिया गया है।